साहेब जी, मूद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, दुनिया के सभी संत गुरुजन हमें ये बताते हैं कि हमें यह मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है। और यहां तक कहा गया है, बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यदि आदमी ने भजन नहीं किया तो दुनिया में वह मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाता है। इतना महत्व भजन का बताया गया है। साहब ने कहा है, भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। ये मानव जीवन की तुलना हीरा से किया गया है, लेकिन कहा गया हीरा जैसा जीवन भजन के बिना तूने व्यर्थ में खो दिया। यदि भजन का इतना महत्व है तो प्रश्न होता है कि भजन आखिर है क्या, भजन किसे कहते हैं और भजन कैसे करना चाहिए। हमारे जीवन में भजन की क्या उपयोगिता और आवश्यकता है, दुनिया में हर जीवित आदमी के पास दो चीजें अवश्य होती हैं। चाहे कोई हो, गरीब से गरीब हो, धनवान से धनवान हो, अनपढ़ से अनपढ़ हो या विद्वान से विद्वान हो, चाहे साधु हो या गृहस्थ, स्त्री हो या पुरुष, हर आदमी के पास दो चीजें जरूर है। एक है तन और एक है मन। तन शरीर दिखाई पड़ता है, किंतु मन दिखाई नहीं पड़ता। और जो मन दिखाई नहीं पड़ता वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मन ठीक तो हमारे लिए पूरी दुनिया ठीक, मन बेठीक, मन बिगड़ गया तो मानो पूरी दुनिया ही बिगड़ गई। जिस साधन से हमारा बिगड़ा हुआ मन ठीक हो जाता है, जिस साधन से मन का सारा दुख मिट जाता है, उसी साधन का नाम है भजन करना। तो तन हमारे पास है और मन हमारे पास है। तन की भी भूख होती है और मन की भी भूख होती है। तन की भूख भोजन से दूर हो जाती है। भूख लगी, भोजन मिला, हमने खाया,
हमारे तन की शरीर की भूख मिट गई, या ये कह सकते हैं हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं भोजन से पूरी हो जाती है। और भोजन में आप कपड़ा ले सकते हो, मकान ले सकते हो, अन्य चीज़ें ले सकते हो, लेकिन कितना कीमती से कीमती भोजन खा लो, कीमती से कीमती कपड़े पहन लो और कीमती से कीमती मकान बना लो, आपके मन की भूख में मिटने वाली नहीं है, मन की पीड़ा दूर होने वाली नहीं है, मन का दुख मिटने वाला नहीं है। ये मन की भूख भजन से ही मिट सकती है, भोजन से तन की भूख मिटती है और भजन से मन की भूख मिटती है। भोजन के लिए तो हम रात दिन दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक अनेक उपाय कर रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन भजन नहीं करने के कारण सब कुछ मिलने के बाद भी मन उदास उदास है, दुखी है, पीड़ित है, अशांत है। भोजन की आवश्यकता है, रुपये पैसे जमीन जायदाद मठ मकान कपड़े लत्ते इस सब की आवश्यकता है, और कम ज़्यादा मात्रा में ये सबके पास उपलब्ध है, लेकिन सुखी कितने लोग हैं यह देखने की बात है। सुखी वही होगा जो सचमुच में भजन करता होगा। अब भजन है क्या? कुछ लोग कहते हैं महाराज हम भजन तो कर रहे हैं, भजन करते करते 5, 10, 15, 20, 25 साल हो गए महाराज, लेकिन मन शांत नहीं रहता है, मन की पीड़ा मिटती नहीं, दूर होती नहीं है, महाराज क्या करें? सचमुच में भजन करते तो मन शांत हो गया होता। हमने बाहरी कर्मकांडों को भजन मान लिया और उन्हीं कर्मकांड में उलझ करके रह गए। कर्मकांड की आवश्यकता है। एक सामान्य आदमी जो कुछ नहीं समझता है उसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता है, कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ नाम जप, कुछ हवन तर्पण, कुछ मंत्र का जप करना, कुछ मंदिर में जाकर के पूजा आरती करना, एक सामान्य आदमी के लिए इन सब की आवश्यकता है, लेकिन ये भजन बिल्कुल ही नहीं है। पूजा से और भजन से कोई मतलब नहीं है, पाठ से और भजन से, मंत्र जप से, भजन से कोई मतलब नहीं है, और हमने इनको भजन मान लिया। गड़बड़ी यहां हुई, मंदिर में जाकर के पूजा करना, हवन तर्पण करना, आरती वंदना करना ये गलत नहीं है, लेकिन इतने में रुक जाना ये गलत है। हम धोखे में पड़ गए, हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, भगवान के हमने आरती की, हम नाम जपे, हम मंत्र जपे, अब हमारा पाप कट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, कभी नहीं कटने वाला है और दुख दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि मूल बात जो होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। भजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भजन के लिए अमुक समय की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आदमी सुबह शाम ध्यान में बैठता है, अच्छा करता है, लेकिन उतना ही भजन नहीं है।
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कहीं भी आप भजन कर सकते हो, भजन कहीं भी किया जा सकता है। और एक बात और, जिसे कोई मानता हो और जिसे कोई नहीं मानता हो वह भजन नहीं है, कर्मकांड है, विश्वास है, मान्यता है या उपासना पद्धति है। भजन वह है जिसे माने बिना और जिसका आचरण किए बिना दुनिया का कोई भी आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता। मंदिर जाने की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, मठ हो, आश्रम हो, ये उपासना स्थल है। वहां कोई आदमी जाता है तो उसे अपने इष्ट की याद होती है, पूजा करता है, मन में सात्विक भावना आती है, संस्कार अच्छे बनते हैं, ये सब इन फल है। लेकिन मंदिर में केवल हिंदू ही जाएंगे, मुसलमान कभी नहीं जा सकते। मुसलमान के लिए मंदिर जाना भयंकर कुफ्र है, इसके फल में उसे नरक मिलेगा। वो तो मस्जिद में जाएगा और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेगा। लेकिन ईसाई मर जाएगा, वो मस्जिद नहीं जाएगा। यदि सचमुच के ईसाई है तो वो मंदिर भी नहीं जाएगा। एक हिंदू न मस्जिद जाएगा न मस्जिद जाएगा। तो ये हमारा विश्वास हुआ, हमारी मान्यता हुई, ये भजन नहीं हुआ। हिंदू मंदिर जाते हैं, अपने इष्ट की याद करते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, अपने इष्ट की याद करते हैं, ईसाई गिरजा जाते हैं, अपने इष्ट की याद करते हैं, और वहां तक अपने इष्ट की याद कर ले, पूजा कर लिया, फिर बाहर निकले तब क्या भजन खत्म हो गया? मंदिर जाने में भी जो राम के कट्टर भक्त हैं वे कृष्ण मंदिर नहीं जाते। कृष्ण के कट्टर भक्त राम मंदिर नहीं जाते, और राम और कृष्ण के दोनों के कट्टर भक्त शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर नहीं जाते। और कोई दुर्गा कट्टर भक्त है वो ना राम मंदिर जाएगा ना शिव मंदिर जाएगा। यहां भी बंटवारा हो गया है। आर्य समाजी ना राम मंदिर जाएगा ना कृष्ण मंदिर जाएगा ना शिव मंदिर ना हनुमान मंदिर ना गणेश मंदिर ना दुर्गा मंदिर, उनका कुछ अपना है। हिंदू वो भी है, और हिंदुओं में कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन में भूल कर भी कभी मंदिर नहीं जाते। तब क्या करोगे? इतना समझ लें, भजन करने के लिए आप मंदिर जाते हो, मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम जाते हो, अच्छी बात। लेकिन भजन करने के लिए यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना गए भी भजन हो सकता है। उसी को समझने की जरूरत है। क्या है भजन? मैंने कहा कि भजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर जगह हर समय चलने वाली प्रक्रिया, अमुक जगह नहीं। भजन को हम कहना चाहें तो कह सकते हैं आत्मज्ञान और आत्मशोधन, यह भजन है। इधर हम आगे चलेंगे
सरल परिभाषा में दें भजन के, जो हर किसी के लिए लागू होता है, बिल्कुल सरल परिभाषा सुनते ही समझ में आ जाए और सबके लिए। क्या है भजन? एक संत ने दो पंक्तियों में भजन की इतनी सुंदर व्याख्या कर दी है, शायद इससे अच्छी व्याख्या और नहीं हो सकेगी। वो व्याख्या क्या है, याद करें मालूम होगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों का त्याग भजन है, अपने मन की चंचलता को मिटा लेना यह भजन है, और इसके बिना दुनिया का कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो। दुख क्यों है? मन की चंचलता के कारण। दुख क्यों है? बुरी आदतों के कारण। राम राम जप रहा है आदमी, ओम नाम का जप कर रहा है, गायत्री नाम का जप कर रहा है, सतनाम का जप कर रहा है, ओम नमः शिवाय कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, तंबाकू भी नहीं छूटा है, कहां भजन हो रहा है? पूजा भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, प्रार्थना भी नहीं कर रहा है। अब पूजा करते करते, मंत्र जपते जपते, इबादत करते करते 5, 10, 20 साल हो गए, अभी भी गाली देने की आदत नहीं छूटी है, भजन कहां हो रहा है? भजन का कोई तमाशा है? जो आदमी बीड़ी तंबाकू जैसे गलत चीज का त्याग नहीं कर सकता, जो आदमी गाली देने का त्याग नहीं कर सकता, वह आदमी भजन को कैसे समझ सकता है और भजन को कैसे जी सकता है? इतनी अकल तो होनी चाहिए ना हर आदमी के पास कि जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के साथ कैसे करूं। भजन करते करते, पूजा करते करते, पाठ करते करते, या अन्य धर्म के काम करते करते वर्षों बीत गए, वही चिड़चिड़ाहट, वही मन को उत्तेजना, वही शिकायत, कहां भजन हो रहा है? भजन एक रूपांतरण है। जब हमारा क्रोध क्षमा में बदल जाए, भजन हो गया। क्रोध को क्षमा में बदलना, बैर को प्रेम में बदलना, लोभ को परोपकार में बदलना, मोह को सेवा में बदलना, निंदा को प्रशंसा में बदलना, ईर्ष्या को खुशी में बदल लेना, इसका नाम है भजन करना। क्या ये हो रहा है? धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अखंड जागरण, अखंड पाठ, अखंड कीर्तन, अब पता नहीं क्या क्या अखंड हो रहा है। सब कुछ अखंड भी चल रहा है और अखंड रूप से गाली देना भी चल रहा है, अखंड उसे झूठ बोलना भी चल रहा है, अखंड उसे लड़ाई झगड़ा करना भी चल रहा है, अखंड उसे गबन घोटाला भी चल रहा है, कहां भजन हो रहा है? ये तो भारत देश है, गली गली में देवता, गली गली में भगवान और गली गली में भगवान के स्थान। मैं कहा करता हूं हमारे देश में जितने धार्मिक स्थल है, उसका 10वां 20वां हिस्सा भी विद्यालय नहीं है, और रोज एक न एक मंदिर का निर्माण हो रहा है नए में। कहीं भारत में चले जाओ, घूम लो, सर्वे करो, एक नहीं 10-20 मंदिर रोज बन रहे होंगे भारत में। लगता है कि धर्म का बहुत बड़ा विकास हो चुका है,
हम लोग बड़े धार्मिक हो गए हैं, पेशाब करने का अकल नहीं है, थूकने की अकल नहीं है, प्लेटफार्म में बैठे हैं कहीं थूक रहे हैं, कहीं रास्ते चलते पेशाब कर रहे हैं। जिस आदमी को, जहाँ के लोगों को पेशाब करने थूकने की अकल नहीं है, वहाँ के लोग धर्म भजन को समझेंगे कैसे? सामान्य सी बात है ना। तो मंदिर तो हम बराबर बनाते चले जा रहे हैं, उस मंदिर कहो, मस्जिद कहो, गिरजा कहो, मठ आश्रम कहो, कुछ भी कहो, ये हम बराबर बनाते चले जा रहे हैं। कौन सा गलत काम हमारे देश का रुका है? सारे गलत काम तो बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार वही के वही, गबन घोटाला वही के वही, लड़ाई मुकदमा वही के वही, व्यभिचार बलात्कार वही के वही, बल्कि और बढ़ते चले जा रहे हैं। नवरात्र का समय आता है चैत्र में और क्वार में, 9 दिनों तक दुर्गा माँ की उपासना चलती है। सुबह से दुर्गा की प्रशंसा में कैसे कैसे गीत, उन गीतों को सुनकर लगता है कि मानो हमारा देश पूरा दुर्गामय हो चुका है, हम दुर्गा के बहुत बड़े उपासक और भगत बन गए हैं। थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक गांव में कितने कितने पता नहीं क्या क्या होता है। शारदीय नवरात्र में जो क्वार में होता है, थोड़ी थोड़ी मोहल्ले मोहल्ले में दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़ी भक्ति भावना के साथ पूजा की जाती है। पूजा करना मैं गलत नहीं समझता, स्थापना करना को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन क्या सचमुच में हमने दुर्गा को समझा है? क्या सचमुच में हम दुर्गा को उपासना कर रहे हैं? दुर्गा के लिए हमारे मन में भक्ति भावना है, ये समझ लेना। जिस दिन भारत ने एक युवती लड़की आधी रात को भी अकेले निर्भय होकर के चल सके, समझना उस दिन हमने दुर्गा को समझा है। आज मासूम लड़कियों के साथ क्या क्या अनर्थ हो रहा है, ये सब दुर्गा के भगत हैं, ये सब भगवान के भगत हैं, देवी के भगत हैं। मासूम लड़कियों को देख करके जिनके मन में वासना भर रही है, जो उनके साथ बलात्कार रहा है, कहां भगवान को समझा, कहां धर्म को समझा, कहां भजन को समझा और कहां दुर्गा को समझा? जिस दिन दहेज के नाम पर बहू के साथ अत्याचार करना बंद हो जाए और जिस दिन हमारे भारत में घर घर में सास और बहू के बीच माँ और बेटा का, माँ और बेटी का रिश्ता कायम हो जाए, समझना हमने दुर्गा को उसी दिन समझा है। दुर्गा की भक्ति हम उसी दिन से हमारी प्रारंभ हो चुकी है, अब बाकी क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं मूल बात पर आता हूं। तो मंदिर तो बहुत बनाते चले जा रहे हैं हम, और धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। सोचिए, आप लोग में बैठे होंगे, इनमें से बहुत से लोग भी बराबर पूजा करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, मंत्र जपते होंगे, सब कुछ करते होंगे। इन इतने वर्षों में आपने अपनी कौन सी गलत आदत का त्याग किया है? मन के कौन से विकार का त्याग किया है? और यदि मन के विकार दूर नहीं हुए, गलत आदत दूर नहीं हुई, तो भजन कहाँ हो रहा है? कर्मकांड में उलझ गए, कर्मकांड में हम उलझते चले गए, ये भजन नहीं है। भजन है निरंतर अपने आप को शोधते चले जाना, जीवन को परिमार्जित करना, रोज हर समय अपने आप को गढ़ने संवारने शोधने का नाम है भजन करना। और कहीं भी हो सकता है, कहीं भी
रास्ता चल रहे हैं और रास्ता चलते चलते अपने मन को देखिए कि मेरा मन क्या सोच रहा है। कोई गलत भावना गलत विचार तो मन में नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए बैर, किसी के लिए द्वेष तो मन में नहीं है। खेत में काम करते समय, खलिहान में काम करते समय, दफ्तर में काम करते समय, कारखाना में काम करते समय भजन हो सकता है, या वह है अपने मन पर निगरानी रखना कि मेरा मन गलत तो नहीं सोच रहा है, अच्छी विचारों में मन को डुबा करके रखना। यहां तक आप नहा रहे हैं अपने बाथरूम में और साबुन लेकर पानी लेकर साबुन पानी लगाकर रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हैं, उस समय धोते धोते समय ये सोचे कि मैं अपने शरीर को धो रहा हूं, शरीर की गंदगी साफ कर रहा हूं, मुझे अपने मन की गंदगी को भी साफ करना है। और उस समय भी अच्छी भावना मन में रख ले, आपका स्नान करना भजन बन जाएगा। टॉयलेट में आप गए हैं, टॉयलेट बैठे हैं, गंदगी का त्याग हो रहा है, टॉयलेट आप जाते हैं, आते हैं, वहां से हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, लेकिन टॉयलेट आप गए हैं गंदगी, शरीर की गंदगी का त्याग करने के लिए, टॉयलेट में बैठे बैठे आप अपने मन को देख रहे हैं, टॉयलेट में आप बैठे हैं, मन एकदम शांत, कोई गलत विचार मन में नहीं, पवित्र भावना है मन में, प्रेम है, दया है, क्षमा है, ज्ञान और भक्ति है मन में है, तो टॉयलेट करना आपके लिए भजन बन गया है। वो भी भजन है और टॉयलेट आपके लिए एक मंदिर बन गया हुआ है उस क्षण के लिए। लेकिन याद रखना, मंदिर गए हैं, मंत्र याद है, आरती याद है, वंदना याद है, बस हम ऑटोमेटिक गाते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस समय किसी के लिए मन में ईर्ष्या आ गई, किसी के लिए द्वेष आ गया, उसी समय मंदिर में कोई युवती आ गई, उसको देखकर मन बिगड़ गया, तो आपके लिए मंदिर कचरा खाना बन गया, मंदिर नहीं रहा उस समय। दूसरे के लिए मंदिर हो सकता है वह, लेकिन क्योंकि आपके मन में कचरा आ गया है, मंदिर को भी आपने कचरा खाना बना लिया अपने लिए, कहां भजन हो रहा है। इसलिए अपनी ओर झांकना है, अपनी ओर झांकना, अपने को बिल्कुल रोज गढ़ना है, रोज अपने को गढ़ते छिलते संवारते चले जाना है। इसके बिना हम कुछ भी कर ले, कहीं चले जाएं, शांति नहीं मिलेगी। भजन को अमुक क्रियाकलाप में हम बांध नहीं सकते, वो क्रियाकलाप भजन के आप अंग मान सकते हो, लेकिन वो क्रियाकलाप भजन नहीं है। इसलिए किसी से भी अपने को बांधे ना, बस शोधते जाएं, शोधते जाएं, शोधते जाएं। मंदिर आप गए, आपने बड़ी भावना के साथ पूजा की, आरती की, वंदना की, सोचें पूजा करते समय, आरती गाते समय, वंदना करते समय आपका मन कितना सरल और विनम्र रहता है। जब मंदिर से लौटे घर और आपने देखा कि घर में कोई काम बिगड़ गया है, बेटे ने, बहू ने, नौकर ने या किसी ने कोई नुकसान कर काम बिगाड़ दिया है, उसको बिगड़े काम को, उस नुकसान को देख करके आप शांत रह गए, और जिसने नुकसान किया है, काम बिगाड़ा है, उसे आपने कहा कोई बात नहीं, तुम काम कर रहे थे,
बिगड़ गया, तुम्हें जांच भी बिगाड़ नहीं, साधारण रहना, आगे सब ठीक हो जाएगा। उसे प्रेम से बात किया, आपने भजन कर लिया, वो मंदिर, आप मंदिर की पूजा आपके घर में आ गई। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जिंदगी भर मंदिर जाते रहेंगे, अपने को धार्मिक होने का भ्रम पालते रहेंगे और उलटते जीवन को हम बेदख कर देंगे। मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है कभी विचारा? चलो किसी भी महापुरुष की वहां मूर्ति है, चाहे जो महापुरुष हो, सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। भावना अलग अलग होती है सबकी। किसी महापुरुष की मूर्ति है, उस मूर्ति में भावना है कि ये मूर्ति मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। चलो ये भी मानते हैं, लेकिन मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खाली बाहर से पूजा करने के लिए नहीं। मंदिर जाने का अर्थ है, मंदिर जाते जाते हमारा मन मंदिर बन जाए, हमारा जीवन मंदिर बन जाए और हमारा परिवार मंदिर बन जाए, तब मंदिर जाना सार्थक हो गया। और मन मंदिर नहीं बना, जीवन मंदिर नहीं बना, परिवार मंदिर नहीं बना, तो जिंदगी भर मंदिर चले जाते रहो, कोई फल मिलने वाला है नहीं। अब प्रश्न होता है, मन मंदिर कैसे बनेगा, जीवन और परिवार मंदिर कैसे बनेंगे? मन मंदिर तब बनेगा जब हमारे मन में हर समय अच्छे विचार चलते रहे, प्रेम के, दया, क्षमा, ज्ञान, भक्ति के सकारात्मक विचार। यदि हमारे मन में बराबर से ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कल्पना के नकारात्मक विचार मन से मिट चुके हैं, पवित्र भावनाओं में मन रमा हुआ है, तो हमारा मन मंदिर बन गया और जीवन के सारे कर्म, सारे व्यवहार, सारे आचरण अपने लिए, दूसरों के लिए सुखद बन गए, हमारे कर्म पवित्र बन गए, हमारे आचरण चरित्र पवित्र बन गए, तो हमारा जीवन मंदिर बन गया। व्यक्ति की पहचान बाहरी जो चीजों से होती है वो क्षणिक होती है, व्यक्ति की पूजा बाहरी चीजों से होती है वो क्षणिक होती है, असली पूजा व्यक्ति की होती है चरित्र की, आचरण की। और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई आदमी धनवान है, विद्वान है, कोई बड़ा कलाकार है, कोई बड़े पद पर है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जज है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, आदर होता है, सम्मान होता है, पूजा नहीं होती। धन, विद्या, पद, कला, कौशल, योग्यता, इन सब का आदर होता है, सम्मान होता है, स्वागत होता है, पूजा नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। सदैव याद रखना, पूजा करियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। करियर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे देश का सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का पद, लेकिन प्रधानमंत्री की पूजा नहीं होती। अब आदर करोगे, सम्मान करोगे, स्वागत करोगे, पूजा तो नहीं करोगे। कितने प्रधानमंत्री की मूर्ति आपके घर में है जिनकी आप पूजा करते हो? किसी की नहीं करते हो। तो पूजा करियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है, और पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। इस चरित्र को उज्ज्वल बनाना, इस चरित्र को पवित्र बनाना, इसी का नाम है भजन करना। तो मैं कह रहा था, हमारा जो जीवन जब मंदिर बन जाए, कैसे बनेगा? जब हमारे कर्म, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चरित्र सब कुछ संतुलित और शुद्ध पवित्र हो गए, जीवन मंदिर बन गया। और परिवार मंदिर कब बनेगा?
जिनके बीच हम रहते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता पति पत्नी सास बहू जो भी हो, 2, 4, 6, 8, 10 परस्पर में दूसरे के लिए प्रेम है, विश्वास है, सम्मान की भावना है, मीठी वाणी में बात करते हैं, तो आपका परिवार मंदिर बन गया। और जब मन जीवन और परिवार तीनों मंदिर बन गए, फिर मंदिर जाओ या मत जाओ कोई आवश्यकता नहीं, आपकी मर्जी, जाते तो अच्छा, नहीं जाते तो अच्छा। इस बात को हमें समझना होगा। भजन के नाम पर लोग अनेक प्रकार के व्रत भी करते हैं, आज ये व्रत, आज वो व्रत, आज वो व्रत, आज गुरुवार है गुरु के लिए व्रत करते हैं, आज मंगलवार है हनुमान के लिए व्रत करते हैं, आज सोमवार है संतोषी माता के लिए व्रत करते हैं, आज ये व्रत अमुक के लिए व्रत करते हैं। ठीक है, अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन असली व्रत क्या है? और सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 वार होते हैं, इन 7 वारों में आपने अपना अपना ये काम किया, लेकिन ध्यान रखना इन 7 वारों के ऊपर 1 वार और है जिसे आपने संभाला नहीं तो 7 वार बेकार हो जाए। वो कौन है? वो है 7 वार ऊपर आपका परिवार, सबके ऊपर है। परिवार के लिए व्रत करते हैं ना, परिवार के लिए आपने कभी व्रत नहीं किया होगा, आज तो ये बार है अमुक देवता के लिए, आज ये बार है के लिए, परिवार के लिए आपने व्रत कब किया? जो आपको मुख्य है, जिसके बीच आपको रात दिन रहना है, तो आप व्रत करते हो, अच्छा है, कुछ तो करते हो। आज व्रत है भोजन नहीं करेंगे, उपास नहीं करेंगे। कुछ लोग आते हैं आश्रम में, चलो भाई भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लेकर, नहीं महाराज आज तो हमारा अमुक के लिए व्रत है, आज भोजन नहीं करेंगे। व्रत है, भोजन नहीं करने का निश्चय है, सुबह शाम तक भोजन नहीं करेंगे, लेकिन वो व्रत रहने वाला 5 बार गुटखा खा लेगा दिन भर में। व्रत तो कर रहे हैं, बिना बिना भोजन कर रह लेंगे, लेकिन बिना बीड़ी पिए रह नहीं पाते, कौन सा व्रत हो रहा है भाई? जिस दिन व्रत रहते हो 3 बार भोजन खा लो, गुटखा मत खाओ। चार बार भोजन खा लो, बीड़ी ना पियो, गुस्सा ना करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, लड़ाई मत करो, तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा, तब आपका भगवान खुश होगा, तब आपके अंतरात्मा संतुष्ट होगी। आप व्रत करते हो, अच्छा है, जिस दिन आप व्रत करते हो, किसी दिन आप भी व्रत करते होगे, सोच लो आप निश्चय किया कि आज मुझे भोजन नहीं करना है। ठीक ऐसी प्रकार एक और व्रत करो आप, क्या है? आज व्रत मैं कर रहा हूं, आज मैं क्रोध नहीं करने का व्रत लेता हूं, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, जितना बड़ा काम बिगड़ जाए, कोई भरी सभा में अपमान कर दे, मुझे गाली दे दे, लेकिन चाहे जो हो जाए, आज मेरा क्रोध नहीं करने का व्रत है, आज झूठ नहीं बोलने का व्रत है, आज ईर्ष्या नहीं करने का व्रत है, आज घूस नहीं लेने का व्रत है, ये व्रत करके देखो भजन हो जाएगा। और ये तो नहीं हो रहा है, बाकी तो सब हो रहा है। कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है आपके व्रत से। हाँ, आपने क्रोध नहीं करने का व्रत लिया, लोभ नहीं करने का व्रत लिया, झूठ नहीं बोलने के लिया, तो आपका भगवान खुश होगा, बाकी भूखा रहने से भगवान खुश नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां आप लोग बैठे होंगे, आप मान लो अभी बैसाख महीना पूरा हो रहा है, आज आज बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ख्याल होगा तो थोड़े में बुद्ध के बारे में हम कुछ विचार रखेंगे शाम को। आज बैसाख खत्म हो रहा, गर्मी के दिन सोचते हैं कि आज हम निर्जला व्रत रहेंगे,
भोजन भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं करेंगे, हमारा भगवान खुश हो करके हमारे पाप को काट देगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक बेटा है 4 साल 5 साल का, उसने कहा पापा या मम्मी आज मैं निर्जला व्रत रहूंगा, 3 घंटा 4 घंटा दोपहर आया आपका बेटा पस्त हो गया, न भोजन किया ना पानी किया, उस अपने छोटे बेटे को भूख या प्यास से परेशान देख करके व्रत में करते करके कितने लोग खुश हो जाओगे? कोई खुश नहीं होगी। आपके सामने आपका बेटा भूखा मर रहा है, आपके सामने आपका बेटा प्यासा मर रहा है, क्योंकि व्रत है वो भोजन प्यास नहीं करेगा। यदि आप आदमी हैं, अपने बेटे को अपने सामने भूखा और प्यासा तड़पते देखकर आप खुश नहीं होगे, तो आपका बेटा, आप भी बेटे हैं, मानते हैं हम भगवान हमारा बाप है, तो आपका भगवान आपको पिता आपको खुद कहते हो जाएगा आपको भूखा देख करके? आप भी मानते हैं ना कि हम भगवान के बेटे बेटी हैं? आप आदमी होकर के अपने बेटे बेटी को भूख प्यासे तड़पते देखकर खुश नहीं हो सकते, तो आपका भगवान तो आपसे ज्यादा होशियार है ना, वो तो ज्यादा करुणाशील है, वो कैसे वो खुश हो जाएगा ये भूखे रहने से? धर्म के नाम पर धोखा बहुत पाल लिया गया है। आप व्रत रहते हो, अच्छा करते हो, मैं मना नहीं करता हूं, कम कई दिन पेट तो खाली आराम मिल जाएगा ना, लेकिन ये भजन नहीं है, ये धर्म नहीं है, इसे पाप नहीं कटेगा। अपनी जो गलत आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस इतना ख्याल रखना है। और आदत की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं, कितनी कितनी गंदी आदतें हमने पार रखी है, किस किस चीज को देखकर, किन किन चीजों को देखकर के हमारा मन चंचल हो रहा है। ये मन की चंचलता, मन की तरंग जिससे मिटे, गलत आदत जिसका त्याग हो, जीवन शुद्ध बने, चरित्र उज्ज्वल बने, पवित्र बने, इसका नाम है भजन करना। बीच मैंने ये कहा था कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में दिया भी जलाते हैं, रात्रि का समय है, अंधकार है, मंदिर में आप दिया जला रहे हो, अच्छा है क्योंकि प्रकाश हो गया। अंधेरे में कोई व्यक्ति आ जाए, हो सकता है ठोकर लग जाए, किसी चीज पर पैर पड़ जाए, चीज बिगड़ जाए, पैर कट जाए, या कुछ ठोकर चोट लग जाए, आपने दिया जला दिया, लेकिन दिन के उजाले में जब सूरज निकल चुका है, फिर भी मंदिर में दिया जला रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है? जब हम कहते हैं कि भगवान पूरी दुनिया को प्रकाश करने वाला है, तो भगवान के मंदिर में एक छोटा सा दिया जला करके हमने भगवान का कौन सा उपकार किया? जरूरत क्या है? मैंने कहा कि अंधकार में आपने दिया जलाया, बात तो समझ में आ गई, लेकिन दिन के उजाले में दिया जला रहे हो आप, क्यों, किस लिए? क्या मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता है? मंदिर में बैठे भगवान को दिए की आवश्यकता नहीं है, दिए की आवश्यकता है हृदय मंदिर में बैठे भगवान को। वहां तो अज्ञान का, अविद्या का, वासना का घोर अंधकार छाया हुआ है। मंदिर में दिया जलाना एक प्रतीक है, लेकिन मूल बात हम भूल गए, खाली देखा देखी जलाते चले जा रहे हैं दिया। मंदिर में दिया जलाना किस बात का प्रतीक? क्यों जलाते हैं हम वहां? मंदिर में दिया जलाना इस बात का प्रतीक है कि जैसे हम बाहर मंदिर में दिया जला रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमारे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति और धर्म का दिया जल जाए। और जिस दिन हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जल जाएगा, उस दिन मंदिर में दिया जलाना सार्थक हो जाएगा। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जलेगा नहीं,
एक नहीं एक लाख दिया जला लो, रहोगे अंधकार में, अंधकार में भटकते रह कर रह जाओगे। ये हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जलाना, इसी का नाम है भजन करना। क्या भजन हो रहा है? यदि भजन हो गया होता तो जीवन में दुख क्यों होता? मन तनाव से भरा क्यों होता, उदास क्यों होता? जीवन में धर्म का, भक्ति का, ज्ञान का दिया जल गया होता तो आत्महत्याएं क्यों करता आदमी? सब कुछ तो मिला हुआ है। तो हम बाहर 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 संवारते गए संवारते गए, और बाहर संवारते संवारते मूल बात को हम भूल गए। शुरू की थी अपनी बात मैंने, तन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन से हमारे तन की भूख दूर होती है और भजन से मन की भूख दूर होती है। तो भजन आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, और आत्मशोधन, निरंतर अपने आप को शोधते रहना। मैंने कहा था कि भजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कहीं भी खाते पीते उड़ते बैठते रात तक चलते नहाते धोते काम धाम करते, हर समय अपने को शोधते रहे कि कौन कौन सी गलत आदत मेरे जीवन में है, कहां मैं चुप कर रहा हूं। जो जो आदत समझ में आ जाए, ये आदत गलत है, ये आदत गलत, उसका त्याग करते चले जाएं। एक बारगी नहीं तो थोड़े थोड़े, मान लो जीवन में 10 आदत है, गलत 10 आदतें हैं, सबको एक साथ छोड़ना कठिन है, तो ऐसा करो उन 10 आदतों की एक सूची बना लो और फिर देखो कि इसमें कौन सी आदत ऐसी है जिसे मैं आराम से छोड़ सकता हूं। सबसे जो सरल लगे, जो छोड़ने में सहजता महसूस हो, उसको छोड़ो। जब एक आदत छूट जाएगी ना, मनोबल बढ़ जाएगा। फिर जो नौ बचे उसमें देखो कि इसमें कौन सी आदत कमजोर है, इसको छोड़ सकते। बस ऐसा करते करते आपको दिन में सब हो जाएगा। इसी का नाम भजन करना है। और यही नहीं करने के कारण हमारे उत्तम मानव जीवन व्यर्थ में व्यतीत होता चला जा रहा है। मनुष्य का बच्चा रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। रोते रोते जन्मना ये प्रकृति का नियम है, इसे हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शिकायत करते हुए जीना और पछताते पछताते मरना, ये हमारी हार है। और क्यों हार है? कि हम भजन नहीं कर पाते। जिससे हमारे जीवन की शिकायत दूर हो, पछताना दूर हो जाए, उसी का नाम भजन करना है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे कौन कौन सा काम है। तो हमें मानव जीवन भजन करने के लिए मिला हुआ है, भोजन शरीर के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, करें, मजबूरी है, बिना किए काम चलेगा नहीं। लेकिन साथ साथ अपने अपने मन की शांति के लिए, आत्मोद्धार के लिए, जीवन कल्याण के लिए भजन का भी काम करते चले, ताकि जीवन की जब अंतिम बेला आए तो पछताना ना पड़े। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, सब भजन में लगे और पूरी प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, प्रसन्नता के साथ यहाँ विदा हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम।